हमारी यहाँ पूरी गौरव जीतेगा जीतेगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी दोस्त आप जो है कि मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि जो डिलीवरी बॉयज जोमैटो गिग सिस्टम को लेकर के परेशान है, स्ट्राइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी के ऊपर गुस्सा है, अपना आक्रोश निकाल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि स्ट्राइक करने मात्र से ही जोमैटो गिग कंपनी वापस ले लेगी या फिर जोमैटो गिग खत्म हो जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? आप मुझे नीचे जो है कि कमेंट करो और कमेंट करके बताओ। अगर आपको लगता है या फिर नहीं लगता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा और प्रूफ के साथ में मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि हाँ भाई, आप चाहे जितना भी स्ट्राइक कर लो, चाहे मैं तो कहता हूँ कि भाई पूरे इंडिया में सारे डिलीवरी बॉयज स्ट्राइक पर चले जाए, सारे ऑल टोटल सभी आईडी को ऑफलाइन कर दे, फिर भी कंपनी झुकेगी नहीं, मैं झुकेगा नहीं, वो जो पुष्पा वाला डायलॉग है ना, तो कंपनी नहीं झुके भैया, इसका मतलब कि कंपनी जोमैटो की वापस नहीं लेगी। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा और आपको लास्ट में विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है। देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे देखो लाल कलर का बटन होगा उसे दबाओ, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करो, फटाफट से वीडियो को शेयर करो, वीडियो को एक लाइक करो। सबसे पहले चलिए मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ, वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पर जो है कि जोमैटो गिग के डिलीवरी बॉयज जोमैटो गिग से रिलेटेड स्ट्राइक कर रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि आपने हो सकता है कि स्ट्राइक वगैरह ना देखे हो, स्ट्राइक कैसे होती है, कैसे हड़कंप मचता है, वो सारी चीज़ें। तो मेरे पास कुछ व्हाट्सअप पे कुछ लोगों ने वीडियो क्लिप कुछ शेयर की, तो मैंने देखा तो भाई मतलब यार मैं तो हैरान रह गया। तो मैं आपको बेसिकली चलिए एक एक करके मैं कई सारी आपको क्लिप्स दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको क्लिप्स दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि हाँ भाई मतलब कितना भी स्ट्राइक कर लो, कुछ भी कर लो, कंपनी जोमैटो की वापस लेगी ही नहीं, ये कन्फर्म है भैया, ये चीज़ कन्फर्म है, क्योंकि लेना होता तो अब तक ले लेती। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, चलिए सबसे पहले आप क्लिप्स देखिए। ये देखिए, ये जोमेटो की वजह से हड़ताल है और किसी भी राइडर को ऑर्डर लेने से मना कर रहे हैं सारे। ये गिग्स की टाइमिंग के चक्कर से हड़ताल है ये जोमेटो की वजह से। अभी एक एक राइडर है जोमेटो का जो ऑर्डर लेके आ रहा है, उससे 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 सारे ऑर्डर मना कर रहे हैं लेने के लिए। तुम काम कर रहे हो भाई जी? बोलो ये राइडर को मना कर रहे हैं सारे ऑर्डर ले जाने से। ये कह रहे हैं जब तक कंपनी हमारी नहीं सुनेगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। ये भाई देखो, चार पांच बंदे यहाँ पे, बाकी 20-25 बंदे वहाँ पे खड़े हैं।
जैसे कि इस भाई को पता नहीं था, अब ये हमारे साथ है, साथ मेरे भाई के साथ दोगे आप? हाँ ठीक है, आप बीच से परेशान थे? हाँ। अभी भी हो? हाँ। है ना? तो आपको बीच कैसा लगता है? और आगे पढ़ाई भी करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने उज्ज्वल भविष्य को लेकर भी पढ़ाई के लिए भी जोमेटो का सर्विस को ज्वाइन करते हैं। और जोमेटो आज आप देख सकते हैं अप्रैल का महीना में, हम दो दिन से ही सुन रहे हैं कि सबसे ज्यादा गर्म पड़ने वाला ये साल 2022 का अप्रैल का महीना, इस गर्मी के मौसम में भी जीत और मैदान बिष्टुपुर में सारे लोग, सारे युवा एक साथ धरना पे हैं। इनकी बस यही मांग है कि इन्हें ना कोई सुविधाएं अलग से चाहिए, ना ही इन्हें सैलरी अलग से चाहिए, लेकिन जो चीज इन्हें मिलती थी, आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, आज हर तरह काफी सारे युवाओं का बाइक का जो इंस्टॉलमेंट में लिया गया है, उन्हें इनकी EMI देना होता है, आखिर वो युवा आखिर कहाँ चलाए, जो पहले 15 घंटे करने के काम करने के बाद भी 500-700 रुपए जो कमाते थे, आज 200-300 कमाने को लेकर मजबूर हो गए। आज ये अपनी हक की मांग के लिए आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर मैदान में, जीता मैदान में 500 की संख्या में जोमेटो के सारे युवा आज यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, और एक इंतजार दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। इनका ये भी कहना है कि ये विधायक से भी मिले हैं और डीसी से भी जाकर मिले हैं, लेकिन कोई इस बात को संज्ञान में लेके युवाओं की आवाज बनना नहीं चाह रहा है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आज जिनके साथ हो कल आपके साथ भी मनमानी हो सकता है, अगर आज आप लोग मिलकर आवाज नहीं उठाते हैं तो आने वाले दिनों में हम सभी युवाओं को मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, और सरकार सोती रहेगी यहाँ जब तक कोई मनमानी नहीं चलेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, करो हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। टोमेटो कंपनी हाय हाय, टोमेटो कंपनी हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। எட்டு மணி நேர வேலை வேண்டும், 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 வேண்டும். தொழிலாளர்களுக்கான சட்டங்கள் வேண்டும், 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 வேண்டும். வஞ்சி காலே, வஞ்சி காலே, ஜோமோட்டோவே, ஜோமோட்டோவே. கார்ப்பரேட் நிர்வாகமே, தொழிலாளிகளை, தொழிலாளிகளை. வஞ்சிக்காதே, வஞ்சிக்காதே. தமிழக அரசே, தமிழக அரசே, தமிழக அரசே, தமிழக அரசே. கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களிடம் में एक डायमंड का लेवल है, सिल्वर का लेवल है, ब्लू का लेवल है, ब्रॉन्ज का लेवल है, इसमें सब नीचे आ रहे हैं। अब नीचे आ गए हैं तो फिर उसके बाद हमें ये गिग जो बुक करना होता है, ये बुक करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसके वजह से हमें करीब करीब एक सप्ताह की छुट्टी रखनी पड़ती है। एक सप्ताह के बाद ये सब स्टार कलेक्ट करने के बाद हम ऊपर आते हैं, तो मतलब एक महीने के अंदर हमारा पूरा एक सप्ताह जो है वो फेल हो जाता है। तो हम कंपनी को ये बताना चाहते हैं, ये गिग सिस्टम निकाल दे, और जो हमारा पुराना पे आउट था, पुराना जो रेट कार्ड था, ये हमें वापस दे दे। बस यही एक डिमांड है, बाकी और कोई डिमांड नहीं है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। देखिए, आपने सारी क्लिप्स देखी, आई होप आपका भी थोड़ा सा अंदर से आप मायूस हो गए होंगे। मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है यार कि जो लोग रोजी रोटी मतलब रोज कमाना, रोज खाना जिनका होता है, तो वो बंदे इस तरीके से रोड पर स्ट्राइक करें, तो ऐसा मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है भाई। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्यों जोमेटो कंपनी स्ट्राइक करने से भी जोमेटो गिग रेट कार्ड, जोमेटो गिग सिस्टम को वापस नहीं लेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या जो है कि जोमेटो स्ट्राइक कौन कर रहा है, जोमेटो गिग को लेकर के स्ट्राइक कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, जो लोग, जो डिलीवरी बॉयज पहले से कंपनी में काम करते थे, एक साल, दो साल, तीन साल,
वही लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। वो लोग स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, वो लोग स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि भाई गिग आने से पहले वो लोग एक दिन का 1500, 1000, 2000, 700, 800, 900 इस तरीके से वो डिलीवरी बॉयज अर्निंग कर रहे थे। अब यार एक कहावत होती है, जाहिर सी बात है आप अगर किसी शेर के मुंह में एक बार खून लग जाता है तो वो फिर घास नहीं खाएगा, मतलब समझ रहे हो, वो फिर घास नहीं खाएगा। इसी तरीके से जिन डिलीवरी बॉयज को 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 1000 दिन में कमाने की आदत हो गई है, तो अब अगर जाहिर सी बात है आपको तो पता है कि जोमेटो गिग सिस्टम आने के बाद में अर्निंग बिल्कुल जीरो हो गई, बिल्कुल लो हो गई है, तो जाहिर सी बात है यार फिर वो 200-400 रुपए में तो मानने वाला बंदा है ही नहीं। तो फिर वही लोगों की कम्युनिटी बन जाती है, फिर वो लोग करने लग जाते हैं स्ट्राइक, और कर भी रहे हैं कि भैया जोमेटो गिग वापस लो, हमारा इसमें कोई भी जो है कि बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है। अब आप मुझे एक बात और बताओ गाइस, क्या जोमेटो कंपनी, जोमेटो डिलीवरी कंपनी में कभी भी ज्वाइनिंग बंद होती है? कभी भी आप कभी भी ज्वाइनिंग नहीं बंद होती, मैं आपको बता दूं, आप जोमेटो कंपनी में कभी भी जॉब के लिए जाओगे, कभी भी आप किसी भी एनीवन हफ्ते में किसी भी दिन आप जो है कि अप्लाई करने के लिए फ़ोन करोगे तो वो लोग बोलेंगे हाँ भैया वैकेंसी खाली, आ जाओ आ जाओ। ज्वाइनिंग कभी भी बंद नहीं होती, इसका मतलब कि कंपनी नए नए लोगों को आज भी हायर कर रही है और डेली हायर कर रही है, और कुछ लोगों की आईडी पेंडिंग में रखती है और फिर उस तरीके सारा कुछ आप जानते हो, माजरा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है यार जो पुराने लोग हैं वो लोग स्ट्राइक करेंगे तो करते रहे, कंपनी को उससे क्या मतलब, भैया तुम स्ट्राइक कर रहे हो करते रहो। और बात तो ये भी सुनने में आई थी कि जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनका तुरंत ही टीम लीडर उनका आईडी को डिसेबल टर्मिनेट वगैरह कर दे रहा, भाई तुम जाओ, तुमको स्ट्राइक करना बाहर जाओ। जाहिर सी बात है जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं अपना करते रहो कितने दिन करोगे भाई, और कंपनी पीछे से नए नए लोगों को ज्वाइनिंग कर रही है, अब धीरे धीरे वो क्या है कि स्ट्राइक करने वाले लोगों का सफाया कर देगी और नए नए लोगों को कंपनी में लेकर के आएगी। अब आप बोलोगे भाई जो नए लोग आएंगे वो भी तो स्ट्राइक करेंगे, तो कहाँ करेंगे भैया, वो लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे। अगर किसी बंदे को आप पहले खराब समोसा दो, ठीक है, खराब समोसा दो कि ले भैया इसको खा ले, बहुत अच्छा समोसा है, वो बंदा खा भी लेगा क्योंकि उसने कभी अच्छा समोसा नहीं खाया है। अब अगर कोई बंदा पहले अच्छा समोसा खा चुका है, अगर आप उसको बाद में ख़राब समोसा दोगे तो वो भाई बोलेगा कि भैया ये तो ख़राब है, क्यों, क्योंकि उसने पहले से अच्छा समोसा खाया है। तो यहाँ पर यही वाला एग्जांपल वैरी करता है भाई, कंपनी जो नए लोग आएंगे उनको कुछ भी कंपनी दे देगी तो वो लोग तो खुश है ना, क्योंकि उन्होंने पहले से देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सारा, तो आई थिंक आप मेरे पॉइंट को समझ पाए होंगे। तो ये मुझे एक सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि आई थिंक सो कंपनी स्ट्राइक स्ट्राइक से मानेगी नहीं, वो धीरे धीरे ज्वाइनिंग करती जाएगी, एक टाइम आएगा कि वो अपने पुराने स्टाफ को हटा देगी, नए नए लोगों को लाएगी और उनको गिग पर काम करवाएगी। और फिर आगे आप जानते हो मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम।